चंबा के बचत भवन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने की बात कही। जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक विशेष सभा का आयोजन चंबा के बचत भवन में किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ द्वारा जिला चंबा के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न मुद्दों व समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपा गया, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि महासंघ द्वारा कर्मचारी हित में उठाई गई मांगों को सरकार जल्द पूरा करे। जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव प्रवीण मेहता और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सलूणी इकाई के अध्यक्ष सुनील कुमार द्वारा कर्मचारियों की मांगों के बारे में बताया गया और विधानसभा उपाध्यक्ष से ये मांग की गई कि वो इन मांगों को सरकार से पूरा करवाने के लिए प्रयास करें। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जो है वो बैठक रखी है। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनोज और भाई कैलाश मेहता जी जो है वो इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका जो ध्येय वाक्य है वो सुनकर के ही अच्छा लगता है कि देश पहले है, जितना काम हम लोग करेंगे उसी दाम की हम लोग बात करते हैं। जो दूसरे संगठन जो मजबूरी और ये वो सारी बातें कहते थे कि हमने लेना ही है, और मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय ठाकुर जयराम जी को, जिनके नेतृत्व में आज मैं जो देख रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादातर कर्मचारियों की या अधिकारियों की डिमांड्स और ग्रीवेंसेस और शिकायतें ही रहा करती थी, लेकिन ये पहली तरह की बैठक मैंने जिला चंबा में देखी है जिसमें हमारे जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री हैं ठाकुर जयराम जी की कल्याणकारी नीतियों के कारण हमें भी अपना सिर जो है वो उठा करके हर बैठक में और हर सम्मेलन में जाने का सौभाग्य मिल रहा है। और हमने भी आश्वस्त किया है जो इनकी महत्वपूर्ण मांगे आई हैं, जिसमें सेवंथ पे कमीशन और जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग मांगे आई हैं, उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में पहले से हैं भी और लाने की कोशिश भी करेंगे, और जिनमें बहुत हल निकला भी है, और आने वाले समय में ये लोग चंबा का भला और इस हिमाचल का भला कैसे कर सकते हैं, ये इन्होंने पूरी वो परियोजना रखी है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में सभी कर्मचारी और अधिकारियों के माध्यम से जो है वो हमें इस प्रदेश का भला होता हुआ नजर आएगा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।